रायबरेली नगर पालिका की ठंड से बचने के लिए अधूरी व्यवस्था। रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र में ठंड से लोगों को बचाने के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था, इसका बाकायदा एक फंड आता है, लेकिन वहां कहा जाता है कि भगवान जाने पर्याप्त मात्रा के अलावा नहीं जलाया जाता है, जिसकी शिकायत लोगों से की गई है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अलाव की ज़रूरत है, लेकिन नगर पालिका ऐसी जगहों पर लकड़ियाँ नहीं गिराती है, जहाँ पर सिर्फ अधिकारी और समाज के वरिष्ठ नागरिक देख सके लकड़ियाँ नगर पालिका के द्वारा वहाँ गिराई जाती है, वहाँ भी गीली होती है, उन्हें जलाने का कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे में सड़क में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को राहत कैसे मिलेगी? या तो भगवान जाने, बस बड़ी बड़ी बातें करके अपने अधिकारियों की इतिश्री कर लेना ही अब अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की शान बनती जा रही है। मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ, आप देख रहे हो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमने कहा चलो थोड़ी देर हाथ से किया जाए, लेकिन इसमें जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे खाली लकड़ियाँ पड़ी हुई है, जलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लकड़ियाँ गीली है, हर चौराहे पे यही हाल है। और जिस हिसाब से मैंने देखा, खाली नगर पालिका अपनी औपचारिकता पूरी कर रही है, कितने गरीब बेसहारा लोग हैं जो कि ठंड में ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनके शहर में रोड पे जलने की कोई व्यवस्था नहीं है। रायबरेली के अरबों लागत की अमृत योजना पर अधिकारी फेर रहे हैं पानी। रायबरेली के अरबों की लागत के रायबरेली में बन रहे अमृत योजना की सीवर लाइन अब आम जनता के लिए परेशानी के कारण बनती जा रही है। 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन ना तो सड़क पर पानी की निकासी हो पाई है और ना ही टूटी सड़क की मरम्मत। ऐसे में आके क्षेत्र की जनता किसके पास फरियाद लेकर जाए? हम बात कर रहे हैं राजकीय कॉलोनी श्री कृष्णा नगर सड़क की, जहां पर अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई, लेकिन 3 साल से इस पाइपलाइन के पानी का रिसाव नहीं हो रहा है। सड़क में चलना दूभर हो गया है। आम जनता के इसके लिए उच्च अधिकारियों से प्रार्थना पत्र दिया है, संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। इस संबंध में आज फिर से सिटी मजिस्ट्रेट को स्थानीय लोगों के द्वारा निदान के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, पर सवाल यह उठता है कि क्या इस ज्ञापन पर अधिकारी ध्यान देंगे? अपना नाम बताइए। सत्यनारायण यादव। दादा क्या समस्या है आपको? यहाँ पर हम लोगों के निकलने की बड़ी समस्या है। ये रोड यहाँ बिछला के गिर जाते हैं लोग गाड़ी से, पैदल तो जा ही नहीं पाते बूढ़े। रामनगर में मामूली कहासुनी मारपीट में युवक की मौत। रायबरेली क्षेत्र के थाना गिरो ग्राम रामनगर चौकी सेमरी में 2 जनवरी 2022 को कमलेश पुत्र राम नारायण के सड़क पड़ोस में रहने वाले विक्रम राहुल पुत्र श्रीराम 4 अज्ञात द्वारा घर के बाहर मारपीट करके घायल युवक को कर दिया गया, जहां जिला अस्पताल में लखनऊ रेफर किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन जब मृतक की बॉडी लेकर रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना दिया, तो मृतक के परिवार वालों का कहना है कि इससे पहले भी आरोपियों द्वारा उनके परिवार के सदस्य मारपीट कर मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। और आज उनके दूसरे लड़के को भी मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है और पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। रायबरेली के बाबूगंज उचहार में CSC संचालक पर जानलेवा हमला। संचालक पर जानलेवा हमला मामला बाबूगंज उचहार रायबरेली का अनुज प्रताप मौर्य CSC व आधार अपडेट केंद्र के साथ साथ बैंक BC केंद्र पर संचालन करते हैं। उन पर आज दिनांक 17 जनवरी 2022 को जानलेवा हमला हुआ है। पूरा मामला CCTV कैमरे में रिकॉर्ड है। थाना उचहार क्षेत्र में बाबूगंज बाजार में स्थित जन सुविधा केंद्र पर केंद्र संचालक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अनिश प्रताप मौर्य ने तहरीर देकर थाना उचहार में हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कृपया अवगत कराना है कि कल दिनांक 17 जनवरी 2022 को थाना उचहार क्षेत्र के बाबूगंज बाजार में स्थित जन सुविधा केंद्र पर केंद्र संचालक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस संबंध में DM का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के बलिया में फुटपाथ पर गरीब ठेले वालों की मदद के लिए सड़क पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह 10 रुपए की बादाम को 50 रुपए में देकर खरीदा। वहां मौजूद लोगों से भी अपील की और कहा कि सभी इनसे खरीदे बादाम ताकि इनकी दुकानदारी भी हो जाए।
इस लाइव तस्वीर सोशल मीडिया पर हो वायरल हो रही है। जरा इस वीडियो को देखिए। यह वायरल वीडियो बलिया जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की है, जो सड़क पर उतरकर गरीब ठेले वालों से 10 रुपए का बादाम 50 रुपए देकर खरीद कर खा रहे हैं और उन्हें कोरोना वैक्सीन के डोज की जानकारी भी दे रहे हैं। जरा सुनिए मजाकिया अंदाज में जिलाधिकारी की जुबानी, यह बादाम कितने का है साहब? 10 रुपए। कलेक्टर साहब को ठग रहे हो, ये 50 रुपए। वह मौजूद लोगों से कहा, इनमें सभी खरीदो ताकि इनकी भी आमदनी हो जाए। दोनों डोज लग गए बाबा, कितने साल उम्र है तुम्हारी? 18 साल। और प्यार बच्चा है, बंद है होता है, कहाँ पढ़ते हो? ये कितने रुपए का देते हो? ये सब 30 रुपए का। देखो जी कितने रुपए का है, 10 रुपया ठग रहे हो कलेक्टर को? तुम यार बड़े बदमाश हो। ले अच्छा तुम्हें 50 रुपया देता हूँ, बाकी का वापस नहीं करोगे? मेरे पास 20 रुपया था लेकिन गलती हो गई। चलो अब आप किसी और खिला देना। टीका उधर लग रहा है, आप लोग जाइए उधर बढ़िए, आप लोग चले जाओ बेटा। अब सब लोग इससे थोड़ा थोड़ा खरीद लेना ताकि इसकी दुकानदारी आज की अच्छी हो जाए। तुम्हारा दंड ये है कि तुम 50 लोगों को टीका लगवाओगे। चढ़ा पेड़ पर तो वहीं दूसरी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन टीम के साथ घाघरा नदी के किनारे ही उठा पटक करने लगा। यह वीडियो रेवती ब्लॉक के अलग अलग गांवों का बताया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी रेवती अतुल कुमार दुबे ने बताया कि पेड़ पर चढ़ना युवक रेवती क्षेत्र के हंडिहा काला का बताया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ गए हैं, जबकि दूसरा युवक इस क्षेत्र का नाविक है जो सरयू नदी में नाव चलाता है, लोगों को नदी के रास्ते नाव को लाने ले जाने का काम करता है। नाविक के पास जब वैक्सीनेशन टीम पहुंची तो वैक्सीनेशन के से टीम के साथ उठा पटक करने लगे। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि हालांकि दोनों को समझाने के बाद दोनों लोग मान गए और वैक्सीनेशन कराने के लिए भी तैयार हो गए। कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके उसको जानकारियां थोड़ा कम थी, इसी प्रयास में उसने थोड़ा किया और ये एक बहुत ही अनायास होने वाली घटना है। इसमें उसने कोई बहुत बड़ा कार्य ऐसा अपराध नहीं किया, वो समझाने से पूरी तरह समझ गया कि नहीं मुझे टीका लेना है। सर कोरोना का तीसरा लहर आ चुका है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपके तरफ से क्या क्या चीज़ें की जा रही है? मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराता हूं, मैं डुग्गी पिटवाता हूं, मैं यहां पर चलने वाला जो सामान तबला। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।